मीठी। इस दरिंदे ने जो मानव तस्करी करता हो, जिसने एक बच्चे को किडनैप करके ओम प्रकाश गुड्डू उसके गुंडे ने बलात्कार करके दफना दिया, वो बच्ची क्या बीता होगा? 8 साल 10 साल की वो मासूम बच्ची चिल्ला रही होगी, दादी बचा लो, माँ बचा लो, पापा बचा लो, चाचा बचा लो, क्या बीतता होगा उस पर? 100 बलात्कार 10-15 बलात्कार में जाता हूँ। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब के बच्ची होती है, किसी नेता के बच्ची क्यों नहीं होता? किसी IAS IPS पदाधिकारी की बेटी क्यों नहीं होती? किसी माफियाओं की बेटी क्यों नहीं होती? किसी पूंजीपति और कैपिटलिस्ट की बेटी क्यों नहीं होती? मैं आजी को दिया हूं 2 दिन का समय। आजी साहब यदि कॉपरेट नहीं किए तो हम जनता के बदौलत इस घर को यहां से खत्म करें। हम आपको वचन देते हैं, नहीं बच सकती बेटियां। मर्द कमजोर और कायर ना मर्द है ये ना। 1 बजे रात से इन माफियाओं नेताओं को कब्बर में ना खून दूं तो दोगला और तेगला चोगला के पैदाइश होंगे। घटना चंपा में हुई है, अजवारा प्रखंड के। कोई घर बाकी है? कोई घर बचेगा? जो मीडिया ट्रायल होता है वो दिख जाता है, और जो मीडिया ट्रायल नहीं होता है, गरीब और कमजोर लोगों का घर होता है, उसको दबा दिया जाता है। गांव में सुनिए पहले, नहीं बच सकती बेटियां। मर्द कमजोर और कायर ना मर्द है, वो लड़ना नहीं जानता। निर्भया में हो हुआ, राजनीति हुई, एक सरकार बन गई। निर्भया के बाद लाखों करोड़ों बेटियों का बलात्कार हुआ इस देश में। मैं डेली 100 बलात्कार 10-15 बलात्कार में जाता हूँ। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास गरीब के बच्ची होती है, किसी नेता के बच्ची क्यों नहीं होता? किसी IAS IPS पदाधिकारी की बेटी क्यों नहीं होती? किसी माफियाओं की बेटी क्यों नहीं होती? किसी पूंजीपति और कैपिटलिस्ट की बेटी क्यों नहीं होती? गरीब कमजोर तबके लोअर क्लास लोअर मिडिल क्लास का ही बच्ची क्यों होता है? और ये ताकतवर लोग कभी भी ऐसी घटना को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बगल में मणिपुर दुनिया के लिए सबसे ज्यादा कलंकित नहीं है? 3 घंटे तक इंटरनल नंगा करके पाट छूता रहा 10,000 आदमी। हमारी 15 साल की बेटी, हमारी बेटी प्रकृति देखी होगी क्या बीता होगा, हमारी बहन देखी होगी यूपी में क्या देखा होगा, मेरी भगनी देखी होगी क्या बीता होगा। 10,000 लोगों के साथ बारी बारी सामूहिक बलात्कार किया, फिर भी इस देश की महिलाएं नहीं निकली। मणिपुर की औरत निकली लेकिन देश की महिला नहीं निकली। किसान 900 मरे तब भी नहीं निकला, मजदूर मिला तब भी नहीं निकला, यूथ मरता है तब भी नहीं निकला। कब तक? MBA की एक लड़की AC सिंह, डिस्ट्रिक्ट जज की भगनी, रिटायर प्रिंसिपल की नातनी, 7 महीना पहले सोनू क्रिमिनल गैंग किडनैप किया, उसको सुई दे करके नेताओं के घर ले गए। क्या हुआ बरुणा बलात्कार केस का? CBI ने जांच कर लिया। क्या बरुणा में कोई पदाधिकारी नहीं था? क्या उसमें DIG इन्वॉल्व नहीं थे? क्या उसमें नेता इन्वॉल्व नहीं था? क्या उसमें MLC MLA MP इन्वॉल्व नहीं थे? कौन सी घटना में? जब हम लड़ रहे थे, ये जहां पर बच्ची को रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको, शेल्टर हाउस के लिए, जिसमें एक ठाकुर की गिरफ्तारी हुई, क्या सारे नेताओं के यहाँ नहीं परोसा गया? सारे नेता के यहाँ बच्चियां नहीं ले जाया जाती है? कब तक ये नेता पौर देखेंगे? कब तक ये नेता पाप और कुकर्म को पैदा करेंगे? कब तक ये गरीब की बेटियों के साथ हवस का शिकार बनाएंगे? पहले उनसे पूछिए। समाज तो लड़ने की हिम्मत नहीं करता। आज AC सिंह 7 महीने से नहीं मिल रही है, कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है 10 दिन के अंदर हमको बेटी चाहिए। हम लगातार जस्टिस फॉर AC सिंह की बात कर रहे हैं, कोई सुनने वाला मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ। MBA की लड़की है, यहां पर नंगा करके बेगूसराय में बच्चियों के साथ मारपीट की गई, क्या हुआ? समाज हंस रहा था जब हम गए थे, तो मजे ले रहा था, उसको यह लगता ही नहीं कि उसकी बेटी को नंगा करके जब कोई और मारता तो क्या बीतता। मीठी, इस दरिंदे ने जो मानव तस्करी करता हो, जिसने माँ दादी बेटा चाचा के सामने एक बच्चे को किडनैप करके ओम प्रकाश गुड्डू उसके गुंडे ने बलात्कार करके दफना दिया, वो बच्ची क्या बीता होगा? 8 साल 10 साल की वो मासूम बच्ची
चिल्ला रही होगी, दादी बचा लो, माँ बचा लो, पापा बचा लो, चाचा बचा लो, क्या बीतता होगा उस पर। उसके बावजूद इस बिहार के आधी आबादी पर असर नहीं पड़ता है। इसी बेगूसराय की एक लड़की एक सप्ताह से गायब है, किसी को फुर्सत नहीं है उसको देखने के लिए, तेल मांगे जाते हैं इन थाना से ऊपर तक। इसको जमीन माफिया से मतलब, बालू शराब माफिया से मतलब। इन नेताओं के पाप और कुकर्म के में भागीदार है ये पदाधिकारी, इन पापियों के हिस्सेदार हैं, और ये लोग बराबर के बटाबाट हिस्सेदारी करता है पैसे में, इन माफिया चलाता है। कब तक 56/47 वाले चलेंगे? कब तक ये लोग कानून इन लोगों के रखेल बने रहेंगे? कब तक पैसे वालों का कानून रखेल बनेगा? क्या मिडिल क्लास और आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा? क्या मिडिल क्लास आम आदमी गरीब के लिए कानून नहीं है, सिर्फ पैसे वालों के लिए? जस्टिस फॉर मीठी, जस्टिस फॉर एसी, जस्टिस फॉर मणिपुर, जस्टिस फॉर बेगूसराय की डॉटर, जस्टिस फॉर बछवाड़ा का 2 साल का बच्चा। हमें लड़ना होगा, हर घर की माँ और बेटियों को निकलना होगा। ये छोटी लड़ाई नहीं है, एसपीडी ट्रायल, फांसी, जो लोग भागे हैं उसकी गिरफ्तारी, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर भी केस, उसका भी इन्वॉल्वेशन। हम तब तक लड़ेंगे जब तक मीठी को, हत्यारे को फांसी नहीं मिलेगा ना, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। ये लड़ाई जारी रहेगी, और वो लड़ाई लड़ेंगे, आकाश और पताल एक कर देंगे हम, जितनी ताकत है वो लगा ले कोई। ये नामर्द एमएलए एमपी कायद मंत्री संतरी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, जो सिर्फ सियासत के अलावे कोई मतलब इन लोगों को आम जनता से नहीं है। सत्ता में बैठे लोग आपको, इन लोगों को 2024 का चुनाव चाहिए, इन लोगों को सिर्फ जाति में गाली गलौज चाहिए, इन लोगों को धर्म मजहब की राजनीति चाहिए, इन लोगों को बैकवर्ड फॉरवर्ड में गाली चाहिए, इन लोगों को जाति की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये पूछता है किसकी बेटी थी, कौन जात था, मारने वाला कौन जात था, ये सबसे पहले पूछा जाता है सोसाइटी के द्वारा। इसीलिए मेरी बात अभी आईजी से हुई, उन्होंने कहा सर मुझको समय दीजिए, मैं पूरा घर खानूंगा। आईपीएसएल की पूरी टीम आ गई, कल से लगातार मैं डीएसपी से कांटेक्ट में हूं। डीएसपी ने कहा सर हमको मौका दीजिए, रात तक सब कुछ खंगा लेंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे थाना के उस पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ेंगे, उसकी भी लड़ाई होगी। हम चाहेंगे मीठी के इस सदमपुर एक पंचायत के, मीठी के जस्टिस के लिए, क्षमता पंचायत के जस्टिस के लिए पूरी बिहार की माँ और बेटी घर से निकले, और यहीं से एक मजबूत कानून, एक ऐसा कानून जो फिर कभी किसी माँ बेटी की तरफ कोई पड़ोसी कोई दरिंदा ना देख पाए, एक ऐसा कानून जिसकी हिम्मत ना हो किसी नेताओं को पोर्न देखने की। स्टॉप पोर्न, पोर्न को बंद करना चाहिए। 80-82-90% हम कोरोना में पैसा बांट रहे थे, हम कोरोना में रेमडेसिविर बांट रहे थे, ऑक्सीजन बांट रहे थे, पूरा भारत का लोग पोर्न देख रहा था। क्यों? हर लोग 92-95% सबसे ज्यादा बिहार के लोग पोर्न देखते हैं जी। हम चाहेंगे मुख्यमंत्री और देश के पीएम से पोर्न को बंद करिए, फॉरेक्स ड्रग्स स्मैक्स व्हाट नर्सुलेशन को बंद करिए। कब तक मेरे बच्चे सट्टा खेलेंगे, कब तक मेरे बच्चे मटका खेलेंगे, कब तक मेरे बच्चे कोरक्स पिएंगे? बंद करेंगे तो उनकी अय्याशी कैसे होगी? सर मैं उस दिन बंद कर दूंगा जिस दिन 12 बजे रात हम ओथ लिए ना, 1 बजे रात से इन माफियाओं नेताओं को कब्र में ना खूंदूं तो दोगला और तेगला चौगला के पैदाइश होंगे। हम वैसे पैदा नहीं लिए हैं, है हिम्मत तो हमको डर नहीं है, हमको सब अपराधी, हमको सारा अपराधी चैलेंज दे चुका है बच्चे से। 80 में हम अमेरिका से आए थे, 83 में मुखिया बने थे, 90 से लड़ते लड़ते इन अपराधियों के खिलाफ हम देख चुके हैं, समझे? मेरे लिए कोई जाति नहीं है, मेरा हर जाति मेरा खून है, ये मैं आपको बता दूं, आप बेफिक्र। इसलिए मैं अपील करूंगा सारी बेटियों को,
और सारे यूथ को इस बच्ची के लिए जस्टिस के लिए निकले। धन्यवाद सर। मेरे नहीं चला है, मैं आजी को दिया हूं 2 दिन का समय। आजी साहब यदि कॉपरेट नहीं किए तो हम जनता के बदौलत इस घर को यहां से खत्म करें। हम आपको वचन देते हैं जनता, एक मिनट भैया नारा मत दीजिए, भैया बेटी की दर्दगी में नारा मत, बच्चे की तो मत दीजिए सर। इतनी बड़ी घटना के बाद नारा नहीं अच्छी बात है सर। जनता खड़े हो जाए, हम वो कर देंगे जिसका अंदाजा भगवानों को नहीं है। नहीं खड़ी होती है सर। सर मैं अकेला थक चुका हूँ सर, अकेला थक चुका हूँ। पूछिए इससे सब जगह केवल सर 40,000 बलात्कार की घटना में मैं गया हूँ और आप कहता है कि मार दो पप्पू यादव को, बगल में आपके यहाँ आए थे। अरे सर, जो जनता अभी आपके नारे लगा रही है यही जनता जातिवाद पे वोट करेगी। मैं चुप रही, इस बात मत बोलो। हम 2 दिन हमको देखते हैं, फोन नंबर ले लिए हैं भाई का, उनके भतीजे का, हम अपना नंबर दे दिए। हम मिनट टू मिनट टच में रहेंगे, घर से टच में रहेंगे। हम आपको वचन देते, प्रणाम करते, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। फिर दस